हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज़ जी आर मेडिकल एजुकेशन सो सो टुडेस टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन इन अ मेडिकल लेबोरेटरी दैट मींस एक मेडिकल लेबोरेटरी में कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं आज के टॉपिक में हम उस चैप्टर को कवर करने वाले हैं सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैन प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल दैट इज़ जी आर मेडिकल एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो आइए वीडियो को शुरू करते हैं सो सबसे पहले देखते हैं कि लैब होती क्या है सो अ लैब इज़ एन एरिया दैट इज़ इक्विप्ड विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल्स एंड रिएजेंट्स सो लैब एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते, है, wow. होते हैं केमिकल्स होते हैं एंड रिएजेंट्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंटल वर्कस बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्कस को परफॉर्म कर एंड इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए देन इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ़ एनी काइंड ऑफ मेडिकल लेबॉट्री किसी भी तरीके की मेडिकल लेबॉट्री के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड एकमेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन देर इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स इन द लेबॉरिट्री सो लेब के अंदर कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स एंड एकमेंट्स को यूज़ किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं सो so, सबसे पहले ग्लास वेयर्स एंड प्लास्टिक वेयर्स सो ग्लास वेयर्स के बारे में बात करें सो so, ये ग्लास के बने होते हैं मतलब कांच के बने होते हैं सो ग्लास वेयर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास किसके बने होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं अब ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं इसकी खुद की कुछ खासियत होते हैं उसके बारे में देखो सो रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स एक्सेप्ट एच सी एल फॉस्फोरिक एसिड मेड टू विकैनिकल ब्रिकेज एंड द सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर सो बोरोसिलिकेट ग्लास की खासियत क्या होती है कि जैसे ही टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आता है काफ़ी बार जो नॉर्मल ग्लास होता है वो टूट जाता है ब्रेकेज हो जाती है या फिर कांच ग्लास uh, नॉर्मली uh, भी uh, थोड़ा सा भी मैकेनिकल हिट हुआ तो वो टूट जाता है एंड केमिकल्स की वजह से भी टूट जाता है बट बोरोसिलिकेट ग्लास के साथ ऐसा नहीं होता है वो मकैनिकल ब्रेकेज uh, से भी सेफ प्रूफ होता है मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑल्सो टेम्परेचर के चेंज की, की वजह से भी जल्दी से क्रैक नहीं होता है एंड काफ़ी केमिकल्स को भी बियर करता है लेकिन एच सी एल एंड फॉस्फोरिक एसिड केस में ऐसा नहीं है सो so, उसके बाद डैट्स वाई वेयर इज़ जनरली यूज फॉर दी मेडिकल एक्टिविटीज़ इसीलिए मेडिकल एक्टिविटीज़ के अंदर ग्लास वेयर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपैरेटिवली प्लास्टिक वेयर्स ग्लास वेयर्स के बारे में बात करें कि लैब के अंदर कौन कौन से ग्लास वेयर्स को यूज़ किया जाता है सो so, ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है बीकर को यूज़ किया जाता है फ्लास्क को यूज़ किया जाता है देन कॉनिकल फ्लास्क को यूज़ किया जाता है काफ़ी टाइप के पिपिट्स को यूज़ किया जाता है पिप्टिंग के लिए आर बी सी पिपिट डब्ल्यू बी सी पिपट्स इन सब के लिए यूज़ किया जाता है ब्यूरेट को यूज़ किया जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर को यूज़ किया जाता है मेजरिंग के लिए एंजेंट की ड्रॉपर्स को यूज़ किया जाता है सो so, ये सारे टाइप के ग्लास वेयर्स होते हैं जो लैब के अंदर यूज़ होते हैं देन वी हैव प्लास्टिक वेयर्स इन द लैब सो प्लास्टिक वेयर्स आर यूजली मेड फ्रॉम पॉलीमर्स ऑफ पॉलीथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन एंड टैफलॉन जो प्लास्टिक वेयर्स uh, होते हैं वो टैफलॉन पॉलीमर्स एंड पोलीथाइलिन के पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं एंड दीज आर अनफेक्टेड बाई एसिड एंड अल्कलाई ये एसिड एंड अल्कलाई से अनअफेक्टेड होते हैं दे आर जूरेबल ये ड्यूरेबल होते हैं सुटेबल टू स्टोर अल्कलाइन सल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन को स्टोर करने में भी ये सुटेबल होते हैं बट समाइम प्लास्टिक सर्फेस बाउंड में लीच टू दिस सोल्यूशन एंड अब्जॉर्ब स्टाई एंड प्रोटीन्स दैट्स वाई दे आर नॉट यूज फॉर स्टोर ऑफ रियजेंट्स जो प्लास्टिक वेयर होते हैं उनके अंदर रिएजेंट को स्टोर नहीं किया जाता है क्योंकि उनके अंदर लीचिंग पावर होती है लीचिंग पावर का मतलब क्या होता है ट्रांसफर ऑफ मास हम नमाज वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी रिएजेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो रिएजेंट की डाइल्यूशन पावर होती है जो रिएजेंट की खासियत होती है वो ख़राब हो जाती है रिएजेंट का ओरिजिनल कलर लॉस हो जाता है इस वजह से प्लास्टिक वेयर्स को स्टोरिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है अगर प्लास्टिक वेयरस में बात करें एग्जाम्पल्स की सो हमारे पास बीकर होते हैं टेस्ट ट्यूब्स होते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं पेपेट्स भी होती हैं जैसे आप इसमें देख सकते हो देर इज़ अ बीकर ओके इज अ पेपर देर इज अ मेजरिंग सिलेंडर सो ये सब चीज़ें हम प्लास्टिक वेयर्स में यूज की जाती है लेकिन स्टोरिंग के लिए रिएजेंट्स को स्टोर करने के लिए हम इनको यूज नहीं कर सकते दैन वी हैव अ सेंट्रीफ्यूज मशीन सो आप सेंट्रीफ्यूज देख सकते हो सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस की एक डिवाइस होता है दैट यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑपरेट्स बाई यूजिंग सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल आप इसमें बता सकते हैं कि सेंट्रिफिकल फोर्स के ऊपर काम करता है या फिर सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है एंड हेयर द सब्स्टांसिस आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जो सब्सटांसिज होते हैं वो सेपरेट होते हैं उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग मतलब वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कोई भी अगर ऐसा आइटम है जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ग्रेविटी की तरफ आता है सो टूवर्ड्स ग्रेविटी रहता है सो सेम चीज़ इसके ऊपर अप्लाई की गई है कि अगर हमारे पास कोई ट्यूब है एंड उसके अंदर सल्यूशन है हमारे पास सो उसमें जितने भी लाइट पार्टिकल होंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड जितने भी हैवी पार्टिकल्स हो वो नीचे की तरफ सेडिमेंट रहेंगे सो so, ये इसका प्रिंसिपल है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं या फिर सेडिमेंटेशन प्रोसीजर के, प्रिंसिपल कहते है। so, हैं सो ये क्यूबेट्स हैं जहाँ पे हम सैम्पल्स को पुट करते हैं ये रोटेटर है जहाँ से रोटेट होती है सारी वाइस लिड है क्लोज करने के लिए यहाँ पे मोटर फिटेड होती है ऑन ऑफ बटन है देर इज अ चैम्बर एंड लैच ओके सो जब हम यहाँ पर सैंपल्स को पुट कर देते हैं एंड उसको स्पन करते हैं हाई स्पीड पे देन लाइटर पार्टिकल्स जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे रहते हैं एंड हैवियर पार्टिकल्स गो टू द बॉटम एंड हैवियर पार्टिकल्स बॉटम पे आ रहे थे ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन अब कौन कौन से हम सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रन कर सकते हैं दैट इज अ ब्लड यूरिन एंड बॉडी फ्लूट्स आफ्टर दैट वी हैव अ माइक्रोस्कोप सो माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड इवन सेल्स छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को सेल्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प यूज़ uh, करते हैं uh, जो सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने नेक डाइ से हम लोग नहीं देख सकते हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखता है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आई पीस होता है ऑब्जेक्ट लेंस है ये स्टेज है एंड यहाँ पर क्लिप्स भी हैं जिसके स्टेज होल्ड करते हैं और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए इंक्यूबेटर so के बारे में बात कर इंक्यूबेटर में हम इंक्यूबेशन करते हैं इनक्यूबेटर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम इनक्यूबेशन करते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है ये सो इंक्यूबेशन एट अ कंट्रोल टेम्परेचर हम इंक्यूबेशन कर सकते हैं एक कंट्रोल टेम्परेचर पर जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर पर हम मटेरियल्स को इनक्यूबेट कर सकते हैं एंड कंट्रोल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर्स के लिए हमें कंट्रोल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए चाहिए सिलोजिकल टेस्टिंग हेमाटोलॉजिकल टेस्टिंग बायोकेमिकस्ट्री टेस्ट के लिए हमें कंट्रोल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम इंक्यूबेटर की हेल्प से लेते हैं इंक्यूबेटर इज डिज़ाइंड एज अ चैम्बर ये एक चैम्बर की तरह है दैट कंट्रोल्स टेम्परेचर जिसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है एटमोस्फेयर को किया जाता है कंट्रोल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है एंड टू मैंटेन डिफरेंट कंडीशन सुटेबल टू द वेरियस टेस्ट प्रोसीजर वेरियस टेस्ट प्रोसीजर के रिक्वायरमेंट्स को मेनटेन करने के लिए हम लोग इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं देन वी हैव कॉलोमीटर और फोटोमीटर सो इसके बारे में बात करें सो कॉलोरीमीटर एंड फोटोमीटर इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज इन द सो द वर्किंग वर्किंग ऑफ द कॉलोमीटर इज मेनली बेस्ड ऑन द बियर एंड लैम्बर्ट स्लो इसकी जो वर्किंग है वो कहाँ पर uh, किसके ऊपर बेस है बियर एंड लैम्बर्ट स्लो के ऊपर है मतलब प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड द कॉलोमीटर एंड फोटोमीटर दैट इज अ बियर लैम्बर्ट स्लो याद रखना है दिस लो स्टेट्स दैट द लाइट अब्जॉर्बशन वन पासिस थ्रू अ मीडियम जब एक मीडियम से पास हो रही है लाइट एक मीडियम से पास होती है सो तो वो जो लाइट अब्सॉर्ब uh, जो हुई है तो वो जो लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल होती है इट इज यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालिटिक्स इन द कलर सोल्यूशन इसमें हम सोल्यूशन कैसा लेते हैं कलर सोल्यूशन लेते हैं हिमाटोलॉजी लैब के लिए इसको यूज किया जाता है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए इसको यूज किया जाता है देन वी हैव द होट एयर ओवन अगर होट एयर ओवन के बारे में बात करें सो इट इज़ एन इंस्ट्रोमेंट्स इट इज एन इंस्ट्रोमेंट विच इज़ यूज फॉर द ड्राई हिट स्ट्रेलाइजेशन सो अगर स्ट्राइलाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे इससे पहले में मैंने वीडियो अपलोड किया था सो so स्ट्राइजेशन का मतलब क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब माइक्रोर्गैनिज्म से फ्री करते हैं किसी माइक्रोर्गैनिज्म को हम किल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से दैट इज नोन एज स्टलाइजेशन सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर ड्राई हीट स्टिलइजेशन ड्राई हीट स्टिलाईशन होती है हॉट हो एयर ओवन में हमारे पास दो तरीके की हीट स्टेलाइजेशन होती है एक होती है ड्राई एंड एक होती है मोइस्ट सो हॉट so, होट वन के थ्रू हम ड्राई हीट देते हैं एंड ऑटोक्लेव के थ्रू हम मोइस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं सो so, ये याद रखना है हॉट होट वन का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ अ ड्राई हीट स्टेलाइजेशन टेम्परेचर इज अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी डिग्री टू थ्री डिग्री सेल्सियस इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो ट्वेंटी टू 350 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जा सकता है देन वी हैव रेफ्रिजरेटर सो रेफ्रिजरेटर कुछ इस टाइप का हम लोग लैब्स uh, के अंदर यूज़ करते हैं या फिर कॉमनली जो हम अपने होम्स में यूज़ कर सकते करते हैं वो भी हम लैब के अंदर यूज़ कर सकते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है लैब के अंदर विच मैंटेन्स टेम्परेचर टेम्परेचर मेन्टेन करता है वो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के लिए फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस सैम्पल्स वेरियस सैम्पल्स को प्रिजर्व करने के लिए रिएजेंट्स को एंड सब्सटांसिस को प्रिजर्व करने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है फो रूटीन यूजिस रेफ्रिजरेटर्स आर कॉमनली सेट इज अ टेम्परेचर टू डिग्री टू एट डिग्री सेल्सियस रूटीनली जो हम लैब uh, के अंदर अपना uh, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसका हम जो टेम्परेचर रखते हैं दैट इज़ टू टू एट डिग्री सेल्सियस रूटीनली इतना ही रखा जाता है जिसपे हम अपने सैम्पल्स को ब्लड को रिएजेंट्स को स्टोर करके रखते हैं देन वी हैव ऑटोक्लेव सो ऑटोक्लेव इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज फॉर द मॉइस्ट हीट स्ट्रेटिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की हीट स्ट्रेलाइजेशन यूज़ करते हैं मॉइस्ट एंड ड्राई ड्राई के लिए होटे रवन एंड मॉइस्ट के लिए ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है इसके अंदर हाई टेम्परेचर को फिट किया जाता है इसका प्रिंसिपल क्या है हाई स्ट्रीम प्रेशर इसका प्रिंसिपल क्या है अंडर हाई स्ट्रीम प्रेशर अंडर स्ट्रीम प्रेशर इसका प्रिंसिपल होता है इट इज यूज टू स्टेलाइज सिरिंजिस को इसमें स्टेलाइज कर सकते हैं निडल को ग्लास वेयर्स को एंड कल्चर मीडिया को इसमें ईजिल स्टेलाइज किया जा सकता है एंड ऑटोक्लेव uh, कुछ इस तरीके का दिखता है, Some like, जैसे प्रेशर कुकर वर्क करता है वैसे ही ऑटोक्लेव वर्क करता है कुछ इस तरीके की दिखती है the balance is an, uh, instrument. जो है, है, ये एक दैट सब्सटेंस किसी भी substance का वेट मेजर करने के लिए हेल्पफुल होती है इट इज यूज्ड फॉर वेटिंग वेंग वेरियस सब्सटेंसेस ये बहुत सारे सब्सटेंसेस के वेट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है जैसे कि पाउडर क्रिस्टल है अदर लेबोरेटरी सब्सटेंसेस इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयर रिएजेंट स्टेन एंड कल्चर मीडिया रिएजेंट स्टेन एंड कल्चर मीडिया की को बनाने में बैलेंस मशीन का बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है क्योंकि हम जो जैसे हमारे पास कोई पाउडर फॉर्म में है सो तो उसको ग्राम मेजर करने के लिए हमें बैलेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बाथ so कुछ इस तरीके का दिखता है आप देख सकते हो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर वाटर हीट किया जाता है एंड टेम्परेचर इज अ कॉन्स्टर्ट लेवल इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टर्ट लेवल पर मैंटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग वाटर इट इज यूज टू इंक्यूबेट लिक्विड सब्सटांज लिक्विड सब्सटांसेस को इंक्यूबेट करने के लिए वाटर बाथ यूज किया जाता है इट इज मोस्टली यूज फॉर सियोलॉजिकल बायोकेमिकल हेमेटोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है द वॉटर हैज़ अ टेम्परेचर रेंज इसका रेंज कितना रहता है रूम टेम्परेचर टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस का इसका रेंज रहता है। रूम हैचर से हम सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जा सकते हैं एंड अ कपैसिटी रेंजिंग टू टू थ्री थर्टी लीटर्स इसके अंदर कितना लीटर वाटर आ सकता है टू टू थर्टी देन वी हैव माइक्रोटोम सो माइक्रोटोम कुछ इस तरीके का दिखता है सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टिश्यू सेक्शन कटिंग फ्रॉम एम्बेडेड टिश्यू जो एम्बेडेड टिश्यूज होते हैं जिनके एम्बेडेड टिश्यू के जो ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक कुछ इस तरीके के होते हैं इनकी कटिंग के लिए हम लोग um, माइक्रोटोम को यूज uh, करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आर टू कट पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू को कट करने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रोटोम्स को यूज किया जाता है जैसे कि रोटेटरी माइक्रोटोम हो गया क्रायोस्टेट माइक्रोटोम हो गया ये माइक्रोटोम कौन से लैब में यूज किया, किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में इसको यूज किया जाता है देन सो पी एच मीटर का हेल्प क्या होता है देखिए पी एच मीटर कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे हमारे पास मशीन होती है एंड वी हैव टू पुट दिस टाइलेट इन दी रीडिंग दे देता है सो पी एच मीटर के बारे में जाने सो पी एच मीटर इज यूज डिटरट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन सोल्यूशन सल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको देखने के लिए हम पी एच मीटर का यूज करते हैं पी एच मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड पी एच मीटर के दो नाम भी है पीएच मोनिटर भी कह सकते हैं या फिर पोटेंशियो मीटर भी इसको कहा जाता है दैन वी हैव वाटर डिस्टिलनेशन यूनिट सो वाटर डिस्टिलनेशन यूनिट कुछ इस तरीके की दिखती है इस वाटर की डिस्टिलइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं दिस इज़ यूज फॉर द पेसिपिटेशन ऑफ डिस्टल वाटर एंड डी एनाइज वाटर हमने हम इसमें डिस्टल वाटर को बना सकते हैं डी एनाइज वाटर को बना सकते हैं डिस्टिलेशन एक प्रोसीजर होता है जिससे हम वाटर को प्योर और क्लिन करते हैं

एक डिजाइन है एंड फुली ऑटोमेटिक में हमें कुछ नहीं करना होता है सिर्फ जो टेक्नीशियन होता है उसको आ, को पुट करना होता है एंड अपने आप सारी रीडिंग आती है सो so, इसके बारे में बात करें सो ऑल टाइप्स ऑफ एंड आर एनजायटिकने भी बायो केमिकल एंड एनजायमेटिक एक्शन होते हैं टेस्ट होते हैं वो सब बायो केमिस्ट्री एनालाइजर के थ्रू किए जाते हैं ये सेमी ऑटोमेटिक भी होता है एंड फुली ऑटोमेटिक भी होता है दे आर यूज टू मेजर डिफरेंट मेटाबोलिक्स प्रेजेंट इन दी बायोलॉजिकल सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स में किस चीज़ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि ब्लड शुगर प्रोटीन यूरिया क्रिटिन, इन सबको चेक करने के लिए हम लोग एनालाइजर्स को यूज करते हैं सो ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर हमने साँग, अपने सैम्पल से ब्लड चेकअप करवाना होता है मशीन के अंदर ए यहाँ पर ब्लड सैंपल्स जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनके काउंट की रीडिंग यहाँ पर शो हो जाती है सो इट इज एन ऑटोमैटिक मशीन ये एक ऑटोमैटिक मशीन होती है यूज फॉर ब्लड सेल काउंटिंग जो कि ब्लड सेल को काउंट करने में यूज की जाती है एंड ब्लड को एनालिसिस ब्लड को टेस्ट करने में यूज की जाती है इट कैन गिव्स हेमेटोलॉजिकल टेस्ट ये हिमेटोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं इसकी हेल्प से जैसे कि हिमोग्लोबिन कंसनट्रेशन मतलब एच बी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट दैट मीन सी बी सी पी सी बी पैक्ट सेल वॉल्यूम आर बी सी रेड सेल इंडसिस एंड आर बी सी काउंट

वी हैव टिशू प्रोसेसिंग यूनिट सो टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट कुछ इस तरीके की दिखती है सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेट्री हिस्टोपेथलॉजी लैब में इसको यूज किया जाता है इट प्रिपेयर डिफरेंट टिश्यू सैम्पल्स इससे हम डिफरेंट टिश्यू सैम्पल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द सेक्शन कटिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेशन के लिए सेक्शन को कट करने के लिए एंड उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं इट इज सिंगल यूनिट ये सिंगल यूनिट होती है दैट परफॉर्म ऑल टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप जितने भी होते हैं वो सब इसी मशीन के अंदर किए जाते हैं, वो सिंगल वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं जैसे कि डी क्लासीफिकेशन हो गया फिक्सेशन हो गया डिहाइड्रेशन हो गया क्लियरिंग इंप्लीग्नेशन ये सारी चीजें इसी यूनिट uh, के अंदर की जाती है आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स हैं एंड जैसे डी है तो इसका अलग सल्यूशन एक बास्केट में होगा फिक्सेशन का अलग होगा डिहाइड्रेशन का अलग होगा ऐसे ऐसे एंड इसके थ्रू हम अलग अलग टिश्यूज को एक साथ ही रन कर सकते हैं देन वी हैव लेमिनार एयर फ्लो हुड या फिर लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर भी इसको कह सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इट इज़ एन असेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इन द माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेट्री फॉर क्रिएटिंग एन एसेप्टिक और माइक्रो ऑर्गैनिज्म फ्री एनवायरमेंट एनवायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिजम फ्री बनाने के लिए एलेमिनार एयर फ्लो होना माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गैनिज्म को फिल्टर करते हैं एंड उसे किल करते हैं एंड एनवायरनमेंट को सेफ बनाते हैं देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरेंजेस यूज्ड फॉर द ब्लड कलेक्शन सो ब्लड कलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत तरीके की डिफरेंट सरेंजेज़ होती हैं जैसे कि सरेंजेस सिरिंज एरिया सर्कुलर बैरल्स विद अ क्लोज फिटेड प्लंजर एंड अ टिप टू विच द मिडल हब इज़ कनेक्टेड सोल यहाँ पे सिरिंज की मोफोलोजी के बारे में बात की गई है सो so, उसके बारे में देखें एक बार पहले सो so, आप देख सकते हो ये सिरेंज है एंड इसके अंदर यहाँ पर ये यह जो यहाँ पे थम रेस्ट लिखा है यहाँ पर एक प्लंजर होता है ये कुछ इस प्लंजर इस तरीके का दिखता है स्ट्रक्चर होता है सरेंज का उसको हम बैरल बोलते हैं ये बैरल होता है जो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके अंदर उसके बैरल के ऊपर ही स्केल मार्क होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कितना एम हमें ब्लड लेना है एंड देन उसके ऊपर बैरल के ऊपर ही रब जो हमारा प्लंजर होता है उसके टॉप पर ही हमारे पास रबर स्टॉपर होता है जिसकी हेल्प से ब्लड फ्लो किया जाता है एंड ब्लड लीक ना हो वो उसमें भी वो हेल्प करता है रबर स्टॉपर रबर स्टॉपर हो गया वी uh, है यहाँ पे निडल हब है एंड ये है हमारी निडल सो so, इस तरीके से जो सरेंज होती है वो अः uh, बनी होती है सो so, उसके बाद दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड टाइप जो सरेंज होती है उसके बहुत सारे साइज वेरियस साइज होते हैं टाइप्स होते हैं सो दे आर यूज फॉर सब क्यूटेनियस इंजेक्शन इनको हम इंजेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए यूज किया जाता है सरेंजेस को जैसे कि क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया इंट्रामस्कुलर इजेक्शन इंट्रावेनियस इंजेक्शन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर द वेरियस क्लिनिकल सैम्पल कलेक्शन बहुत सारे सैम्पल को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे ब्लड हो गया सरिब्रोस्पाइनल फ्रूड दैट मीन सी एस एफ एंड अदर सीरियस फ्रूड हो गए उनको कलेक्ट करने के लिए जो सिरिंज होती है उसका यूज किया जाता है देन वी हैव द टाइप्स ऑफ सिरिंजेस बेस्ड ऑन द मटेरियल मटेरियल के हिसाब से हमारे पास तीन तरीके की सिरिंजेस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहली जो सिरिंज होती है दैट इज अ प्लास्टिक सिरिंज आप देख सकते हो प्लास्टिक सिरिंज कुछ इस तरीके की होती है सो so, इसके बारे में बात करें सो वाइडली यूज सरेंज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सीरेंज प्लास्टिक सीरेंज होती है अफोर्डेबल होती है एंड डिस्पोजेबल होती है मतलब चीप होती है सस्ती आती है एंड डिस्पोज कर सकते हो एक बार यूज़ किया एंड थ्रो कर दिया सो so, uh, क्योंकि ये डिस्पोजेबल होती है एक टाइम ही यूज़ होती है इसीलिए इट हेल्प टू मिनिमाइज दी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रिस्क टू द पेशेंट मतलब कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं करती है पेशेंट के अंदर इस उल्टा uh, ट्रांसमिशन को प्रिवेंट uh, करती है उसके बाद इट्स सप्लाई विद आइदर प्लास्टिक प्लंजर ट्रिप और रबर प्लंजर टिप इसका जो uh... इसके ऊपर जो प्लंजर होता है प्लंजर टिप जो होती है या तो वो रबर की होती है या प्लास्टिक की होती है अब इस टिप का फ़ायदा क्या है कि जो टिप होती है इसकी हेल्प से जो फ्लूड होता है जो अंदर ब्लड होता है फ्लूड होता है वो लीक नहीं होता है एंड वी कैन कलेक्ट अ लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेकिन इसके अंदर हम लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ ब्लड को ही कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर हमने फाइव टू टेन एम की सीरेंज ली तो सिंगल वेन पंक्चर एक ही बार वेन पंक्चर करेंगे हम उससे सो उसमें जितना हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम अगर हमें हमने पाँच एम की सरेंज ली और हमें दस एम ब्लड की आ, नीड है तो हम 10 एम ब्लड उससे ले सकते हैं नहीं ले सकते क्योंकि हमें दोबारा से वेन पंक्चर करना पड़ेगा उसके बाद ग्लास सिरिंज होती है जो कि ग्लास की बनी होती है कुछ इस तरीके की दिखती है सो दे वर मोस्टली यूज बाय डॉक्टर्स बिफोर इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक सरेंजेस एंड डिस्पोजेबल सरेंजेस जब प्लास्टिक सरेंज और डिस्पोजेबल सरेंजेस नहीं थी इन्वेंट नहीं की गई थी उससे पहले डॉक्टर्स इसी को यूज़ किय, किया करते थे एंड ग्लास सरेंजेस आर री ये री होती है मतलब इनको स्टर्लाइज करके यूज़ किया जा सकता है एंड मोर एक्यूरेट देन अदर टाइप ऑफ सरेंजेस अदर टाइप ऑफ सरेंजेस से मोर एक्यूरेट रहती है एंड ग्लास सरेंजेस कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक सिरिंज प्लास्टिक सिरिंज से थोड़ी सी महंगी आती है एंड विदाउट प्रॉपर स्टरलाइजेशन इट मे बी अ सोर्स ऑफ इंफेक्शन ट्रांसमिशन अब ग्लास रेंज को अगर अच्छे से से स्टरलाइज ना किया जाए जाए एंड कर लिया तो इसकी वजह इंफेक्शन भी ट्रांसमिट हो सकता है दीज सेंजेस आर प्रेफरेबल फॉर प्रिजर्विंग आर्टीरियल ब्लड गैस ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर डिटर्मिनेशन ग्लास रेंजेस को ज्यादातर आरटीरियल ब्लड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है उसके बाद हमारे पास होती है वैक्यूम ब्लड कलेक्शन सिस्टम जिसको हम क्लोज सिस्टम भी कहते हैं सो so, इसमें हमारे पास आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारे पास निडल होती हैं वो दो तरीके की यूज़ कर सकते हैं एक तो कर सकते हैं ये बटरफ्लाई निडल और एक हम यूज़ कर सकते हैं डबल साइड निडल सो so, इसमें इससे हेल्प क्या होती है देखो बटरफ्लाई वाली भी डबल साइडेड ही है तो इसमें इससे हेल्प क्या होती है ये जो पहली ये वाली निडल है वो इंसर्ट होती है ब्रेन के अंदर एंड ये जो सेकेंड वाली निडल है ये इस कैप के थ्रू इंसर्ट होके ये जो वैक्यूटेनर टेनर है यहाँ पर इंसर्ट होती है एंड इससे ब्लड डायरेक्टली जो हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर ड्रॉ हो जाता है ठीक है सो ये वैक्यूम ट्यूब है एंड ये निडल होल्डर होता है तो इसीलिए हम इसको क्लोज सिस्टम कहते हैं क्योंकि ब्लड इसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं आता सीधा ही डायरेक्टली uh, वाइल uh, के अंदर जाता है सो दिस सिस्टम इज नोन एज क्लोज ब्लड कलेक्शन सिस्टम इसको क्लोज ब्लड कलेक्शन सिस्टम के नाम से जाना जाता है दिस सिस्टम कंसिस्ट अ वैक्यूटेनर इसके अंदर वैक्यूटेनर होता है अ डबल साइडेड नेडल होती है बटरफ्लाई होती है एंड अ होल्डर होल्डर भी इसके अंदर होता है उसके बाद वेन द नंबर्स ऑफ टेस्ट आर मोर जब हमारे पास हमने बहुत सारे टेस्ट लगाने हों एंड वी नीड ब्लड सैंपल्स विद डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स एंड हमें ब्लड सैंपल चाहिए लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स वाइल्स के अंदर चाहिए दैट टाइम वी यूज़ दिस मैथड उस टाइम पर यह मैथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि सिंगल प्रिक से हम डिफरेंट डिफरेंट वाइल्स में हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जो कि दूसरी वाली सरेंजेस के अंदर पॉसिबल नहीं है सो so, उसके बाद दिस सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू कलेक्ट मल्टीपल ब्लड सैंपल्स इसमें हम मल्टीपल ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं इन अ सिंगल वेन पंक्चर एक सिंगल वेन पंक्चर के थ्रू एंड दिस इज़ क्वाइट अ सेफ माथड ये सेफ़ मैथड होता है फॉर द ब्लड कलेक्शन सैंपल एंड देर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है सो so, इसकी वजह से इन्फेक्शन uh, का ट्रांसमिट होना बहुत कम होता है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं नव वी हैव द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड कलेक्शन ब्लड कलेक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सो ब्लड सैम्पलिंग और कलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मैनी इन्फेक्शस डिजीज एंड डिसडर डिजीज एंड डिसडर्स को चेक करने के लिए ब्लड कलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सो so, उसके बारे में बात करें क्या क्या चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चेयर जिसके ऊपर हमारा जो पेशेंट है वो अच्छे से बैठ सके सो so, जो चेयर होती है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की होती है सो so, चेयर का नाम क्या फिलबॉट में

देन वी हैव इक्विपमेंट कैरियर ट्रे अब इक्विपमेंट कैरियर ट्रे कुछ इस तरीके की होती है इसमें आप देख सकते हो आ, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वाइल्स भी है आ, हमारे पास सिरिंजेस भी हैं एंड डिस्कार्ड कंटेनर भी हैं मतलब एंड सीजर भी है आ, स्पिरिट भी है सब कुछ है हमारे पास इसमें सो so, इसकी यूज़ इसकी नीड क्यों है हमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट एडमिट होता है वो लैब के अंदर नहीं आ सकता है तो हमें ट्रे लेके उसके पास जाना पड़ता है एंड क्योंकि ट्रे में अगर हमारे पास सारा सामान अवेलेबल होगा तो हम ब्लड uh, को बहुत इजीली उन वायर्स uh, के अंदर आराम से पुट कर सकते हैं एंड तभी के तभी नडल को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं एंड आराम से प्रोसीजर कर सकते हैं टेस्ट का प्रोसीजर आराम से डन किया जा सकता है रिपोर्ट के अंदर कोई एरर नहीं आता है सो ब्लड कलेक्शन इक्विपमेंट इज़ मेड पोर्टेबल इक्विपमेंट ट्रे की वजह से जितने ब्लड कलेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं वो आराम से इधर उधर लेके जाए जा सकते हैं पोर्टेबल होते हैं विद द यूज़ ऑफ एन इक्विपमेंट कैरे ट्रे कैरे ट्रे की हेल्प से देन वी हैव ग्लव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ इस तरीके के हम ग्लव्स वेयर करते हैं लैब्स के अंदर सो इट इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का एक पार्ट होता है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वेयर वाइल कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग सैंपल जब हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं या फिर उसको प्रोसेस करते हैं उस दौरान हमें इनको पहनना चाहिए एंड इट हेल्प टू प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से भी ये हेल्प करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू डब्बू एच ओ गाइडलाइन डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है डिस्पोजेबल लेटेक्स एंड लेटेक्स ग्लव्स शुड बी यूज्ड पर पेशेंट एंड प्रोसीजर हर एक पेशेंट पर और हर एक प्रोसीजर पर आपने डिफरेंट लेटेक्स या फिर लेटेक्स फ्री ग्लव्स को वेयर करना है देन वी नीड अ टोनिक्यूट सो टॉनिक्यूड के बारे में बात करें बिफोर द वेन पंक्चर मेथड वेन पंक्चर मेथड से पहले अ टॉनिक्यूड इज़ प्लेस्ड और रैप्ड अराउंड द पेशेंट आर्म टू लिमिट ब्लड फ्लो पेशेंट की आर्म में हमने टोनिक्यूड को अप्लाई करना होता है ताकि हम ब्लड फ्लो को लिमिट कर सकें एंड द टोनिक्यूड शुड ओनली बी लेफ्ट ऑन आर्म फॉर वन मिनट हम uh, टॉर्निकूड को आम पे सिर्फ एक मिनट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं उसके ज़्यादा नहीं करना चाहिए एंड टॉर्निकुड कुछ इस तरीके का दिखता है देन वी हैव वैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब्स सो ईक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब्स मल्टीपल कलर्स में होती है हमारे हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे एंटीकॉगलेंट्स होते हैं एंड एंटीकॉग्रेंट्स के अकॉर्डिंग ही ट्यूब्स के कैपिंग का कलर डिफरेंट होता है सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टेस्ट किस तरीके का टेस्ट है एंड इवेक्टेड ट्यूब्स आर यूज टू स्टोर ब्लड स्पेसिमेंट दैट कम्स इन द वैरायटी ऑफ साइज़ कलर्स एंड वॉल्यूम्स जो इवेक्टेड ट्यूब्स होती हैं इन ट्यूब्स का साइज़ कलर एंड वॉल्यूम अलग अलग होती है uh, किस तरीके का एंटी के अंदर यूज़ किया गया है उसी तरीके की वाइल की कैपिंग होगी उसके बाद एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट सोल्यूशन इसके बारे में बात करें सो दीज आर यूज टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट इनफेक्ट पंक्चर साइट जब पंक्चर साइट जहाँ पे हमने वेन पंक्चर करना है उस साइट को पहले हमने डिसइंफेक्ट करना होता है क्लीन करना होता है सो so, उसके लिए हमें एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट चाहिए होता है एंड इसके बारे में बात करें कौन कौन से सल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं सो so, स्पिरिट कर सकते हैं सेवेंटी परसेंट यूज़ किया जा सकता है सेवेंटी परसेंट आइसोप्रपायल अल्कोहल को यूज़ किया जा सकता है हमारे पास एंटीसेप्टिक तो है लेकिन हम उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तो इसीलिए उसके लिए हमें कॉटन बॉल्स या फिर गेज पैड्स चाहिए होते हैं दे आर यूज टू अप्लाई एंटीसेप्टिक बिफोर ब्लड कलेक्शन एंड कीप प्रेशर ऑन स्पॉट आफ्टर ब्लड कलेक्शन एंटीसेप्टिक को आम पर अप्लाई करने के लिए हम लोग कॉटन बॉल्स को यूज़ करते हैं एंड पोस्ट जब हम ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ब्लड फ्लो को रोकने के लिए भी हम बॉल्स uh, को यूज़ कर सकते हैं सो so देट हम वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर सके उसके बाद देखें कॉटन बॉल्स कैसी होती है ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं एंड गेस पैड कुछ इस तरीके के दिखते हैं देन वी हैव बैंडेजेस सो बैंडेजेस के बारे में बात करें आफ्टर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप जब ब्लीडिंग uh, स्टॉप हो जाती है बैंडेजेस आर यूज टू कवर द ब्लड कलेक्टिंग साइड ब्लड कलेक्टिंग साइड को कवर करने के लिए हम बैंडेज का यूज़ करते हैं एंड फॉर पीपल हु आर एलर्जिक टू लेटेक्स जो पीपल क्योंकि बैंडेज ज्यादातर लेटेक्स की बनी होती हैं तो अगर कोई पेशेंट लेटेक्स से एलर्जिक होता है तो उसको आप लेटेक्स फ्री बैंडेज भी अप्लाई कर सकते हो वो भी अब अवेलेबल होने लग गई है सो so, उसके बाद बात करें ब्लड कलेक्शन डिवाइजेस ब्लड कलेक्शन डिवाइज में और क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करें सो वी नीड अ अज सीरेंज को हम ओपन सिस्टम कहते हैं देन वी नीड अ वैक्यूम ब्लड कलेक्शन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं देन निडल किस तरीके की चाहिए? होनी चाहिए हॉलो निडल होनी चाहिए एंड तीन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़ा याद करने वाली चीज़ है अगर 21 गेज की निडल रहे, रहे हैं तो वो अडल्ट के लिए यूज़ होगी 23 थ्री एज की गेज uh, की निडल चिल्ड्रंस के लिए एंड ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो 18 गेज का हम निडल यूज़ करेंगे हमेशा याद रखना है जितना गेज का नंबर छोटा होगा उतना बोर साइज निडल का बड़ा होगा उसके बाद हम लैंसेट को यूज़ करते हैं लैंसेट कैपलरी ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इंसीजर हमें बहुत छोटा सा इंसीजन करना हो उसके लिए लैंसेट को यूज़ किया जाता है डिस्कार्ड कंटेनर्स चाहिए होते हैं हमें जो कि कुछ इस तरीके के दिए जाते हैं देखे जाते हैं डिस्कार्ड कंटेनर किस लिए चाहिए नीडल्स के लिए चाहिए शार्प <laughs> डिस्पोजल के लिए चाहिए इसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए बायो बायोहेज़ार्ट सिंबल लेबल होना चाहिए जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप स्टडी होना चाहिए ये थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए पंक्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए लीक प्रूफ होना चाहिए डिस्पोजेबल एंड लॉकिंग डिस्क होनी चाहिए इसके अंदर सील बायो हेजार्ट वेस्ट होना चाहिए ये एंड निडल एंड लेंथसेट एंड शार्प थिंग शुड बी डिस्कार्ड राइट अवे जैसे हमने निडल शार्प थिंग या फिर लेंथसेट को यूज़ किया उसी टाइम उसको डिस्कार्ड करना है हमें इन कंटेनर के अंदर उसके बाद वी नीड अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स वाइ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड से हम ब्लड की स्मियर तभी के तभी बना सकते हैं अगर मान लीजिए हमने लैंड uh, सेट से प्रिक किया तो हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की वहाँ पे नीड होगी एंड लेबलिंग मटीरियल चाहिए होता है सो so दैट हम वायरस पे लेबल कर सकें जैसे कि पेन ले लिया अगर हमें स्मियर के हमें ग्लास स्लाइड के ऊपर लेबल करना है तो हमें फाइन पॉइंट नॉन स्मीयर मार्कर चाहिए होगा लेबलिंग टेप ले सकते हैं हम मास्किंग टेप ले भी ले सकते हैं उसके बाद टाइमर चाहिए होता है फॉर एक्जाम्पल ब्लड कलेक्शन के दौरान ही ब्लीडिंग uh, टाइम या फिर क्लोटिंग टाइम टेस्ट प्रोसीजर करते हैं हम तो उसके लिए हमें टाइमर की बहुत ज़्यादा नीड होती है दिन वी नी द एंटीकॉगलेंट्स एंड एडिटिव्स फॉर द ब्लड कलेक्शन ब्लड कलेक्शन के लिए हमें बहुत डिफरेंट टाइप के एंटीकॉगलेंट्स एंड एडिटिव्स चाहिए होते हैं और वो भी टेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि किस टाइप का चाहिए सो उसके बारे में बात करते हैं सो so, सबसे पहले हम एंटीकॉगोलेंट्स के बारे में बात करें सो so, ये जो एंटीकॉगलेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम ब्लड कलॉटिंग प्रीवेंट कर, कर सकें ब्लड का गुच्छा ना बने ब्लड कलॉट ना हो एंड द मैथड इन्वॉल्व्स आइदर चिलेटिंग अब एंटीकॉगलेंट्स होता क्या है ये चिलेट कर देते हैं मतलब कि जो कैल्शियम साइंस होते हैं उनको पाइंड कर लेते हैं रोक देते हैं या फिर उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं टेस्ट दैट रिक्वायर्स होल ब्लड कोई भी टेस्ट जिसके अंदर कोई भी टेस्ट जिसके अंदर हमें होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है या फिर प्लाज्मा चाहिए होता है उस का यूज करते हैं हम एंड दैट मस्ट बी जेंटली मिक्सड एंड जब हम एंटीकोगल वायल में ब्लड को ले लेते हैं तो उसको जेंटली मिक्स करना होता है तभी के तभी ताकि हम अवॉइड कर सकें क्लॉट फॉर्मेशन छोटे छोटे क्लॉट फॉर्मेशन ना हो उसको अवॉइड कर सकें एंड हीमोलाइसिस भी ना हो क्योंकि जो माइक्रो क्लॉट बनते हैं या फिर हिमोलाइसिस होती है वो हमारे टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं उसके तो बाद दे रहा एंटी एंटीग्लाइकोलाइटिक एजेंट्स एं ग्लाइकोलाइटिक एजेंट्स का काम क्या होता है ये देखते हैं दीज सब्सटेंसेस इनहिबिट दी मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज बाई सेल्स इन द ब्लड स्पेसिमेन देखिए ब्लड स्पेसिमेन जब जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं सो so सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है सो so उससे क्या होता है कि हर एक घंटे में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है सो so, अगर आ, हम लोग नॉर्मल वाइल में सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसका ग्लूकोज एस्टिमेशन करेंगे तो हर एक घंटे में उसकी रीडिंग अलग आएगी इसीलिए हम कुछ एंटी ग्लाइकोलेटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं सो so दैट हम अगर दो तीन घंटे बाद या तीन चार घंटे बाद भी ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आए

इज़ सोडियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये एजेंट कौन सा है दैट इज़ अ सोडियम फ्लोराइड जो कि ग्रेट टॉप वाइल में आता है विच कैन कीप ग्लूकोज फॉर अप टू थ्री डेज जिसके अंदर ग्लूकोज की एक्टिविटी थ्री डेज के लिए इनिबिट कर दी जाती है वाइल ऑल्सो इनिबिटिंग बैक्टीरिया डेवलपमेंट इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलपमेंट भी इनिबिट किया जाता है एंड इट इस फ्रीक्वेंटली यूजिस विद एंटीकोगलिन इसको एंटीकोलिन uh, के साथ में यूज किया जाता है उस का नाम है पोटासियम ऑक्सीलेट सो so दैट हम स्पेसिमेंट से प्लाज्मा भी निकाल सके अगर हमें सिनेरियो में प्लाज्मा की नीड है तो देन लास्ट वी नीड अ क्लॉट एक्टिवेटर्स क्लॉट एक्टिवेटर्स का काम क्या होता है जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको बनाने में उसको जल्दी बनाने में हमें हेल्प करता है सो क्लॉट एक्टिवेटर्स केमिकल्स होते हैं दैट हेल्प सिरम्स पैसीमेन कोगुलेट फास्टर सिर सिरम्स को कोगुलेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने अगर हम एंटी कोगुलेटेड ब्लड लेंगे सो so, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा आता है एंड जब हम एंड जब हम बिना कोगुलेट का होल्स ब्लड लेते हैं सो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब हमें मिलता है सीरम ठीक है सो ये ध्यान रखना है कोगुलेंट वाइल में हमें प्लाज्मा मिलेगा एंड प्लेन वाइल में हमें सीरम मिलेगा जो कि रेड टॉप वाइल में मिलता है अब काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम आ, होल ब्लड ले लेते हैं सो तो वो बहुत जल्दी क्लॉट नहीं होता है और हमें टेस्ट लगाना होता है या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आती है ब्लड हिमोलाइज हो सकता है सो तो उस केस में हम ये क्लॉट एक्टिवेटर्स को यूज़ करते हैं जो कि इस टॉप फाइल में आते हैं येलो टॉप फाइल में इस फाइल को एस के नाम से जाना जाता है दिस केमिकल्स इंक्रीज प्लेटलेट एक्टिवेशन इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो प्लेटलेट की एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देते हैं प्लेटलेट का काम ही होता है क्लॉट को फॉर्म करना सो so, प्लेटलेट का जो एक्टिवेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्लॉट फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है एंड एग्जाम्पल बात करें इस टेस्ट ट्यूब की तो दैट इज़ अ एस एस की फुल फॉर्म क्या है सिरम सेपरेटर ट्यूब ओके जो कि येलो कलर वॉइल होती है कंटेन्स ग्लास लेका पार्टिकल्स इसके अंदर ग्लास लेका पार्टिकल्स होते हैं विच कॉज क्लोटिंग इन 15 टू 30 मिनट जिसकी वजह से 15 से 30 मिनट के अंदर ब्लड अच्छे से क्लॉट हो जाता है एंड उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है विदाउट हिमोलाइसिस कि लैब के अंदर कितने वेरियस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं एंड ब्लड कलेक्शन के लिए हमें कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एमपावरमेंट थैंक यू वेरी मच